हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन कीमा ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अब मैं चिकन कीमा बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने हाफ किलो चिकन लिया है, चिकन कीमा लिया है। अब मैं कढ़ाई में ना 3 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल डाल दूंगी। मैंने 2 मीडियम साइज के ओनियन को ऐसे स्लाइस करके काटा है। अब मैं तेल में प्याज डाल दूंगी। मेरा ओनियन गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैं अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का एक पेस्ट इसमें डालूंगी। मैंने 7-8 क्लोव गार्लिक लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है, छोटा एक टुकड़ा अदरक का लिया है। मेरा हो गया है फ्राई। अब मैं क्या करूंगी, इसमें चिकन कीमा डाल दूंगी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सबको मैं आप अच्छी तरह से मिला लूंगी। मैं इसे थोड़ा सा सोते कर लूंगी, थोड़ा सा ऐसे में इसको फ्राई कर लूंगी, ज़्यादा नहीं। अब मैं ना थोड़ा टाइम इसे सोते कर लिया, फ्राई कर लिया मैंने। उसके बाद मैं इसमें ना 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट के मैं इसमें डाल दूंगी। मेरा कीमा हो गया है। अपना पहले थोड़ा लो हीट पे थोड़ा टाइम रखिएगा, उसके बाद हीट बढ़ा के इसको कुक कीजिएगा। मैंने 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस इसमें मिलाया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिलाइए, नहीं तो नहीं। मेरा भी हो गया है कीमा तैयार। अब मैं ब्रेड का डो बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 100 ml ओवर मिल्क लिया है। ओवर मिल्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध अगर हॉट होगा ना तो ईस्ट मर जाएगा, अगर दूध ज्यादा ठंडा होगा तो ईस्ट राइज नहीं होगा, इसीलिए ओवर मिल्क बहुत जरूरी होता है। अब मैं 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर को दूध में मिला दूंगी। नॉर्मल शुगर को मिक्सी में पीस लीजिएगा तो पाउडर शुगर बन जाता है। अच्छी तरह से इसे मिला लूंगी। अब मैं इसे अब मैं इसमें 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट मिला दूंगी। एक्टिव ड्राई ईस्ट का पैकेट खुलने के बाद ज्यादा दिन बाहर ऐसे नहीं रखिएगा तो इसका तो एक्टिवनेस कम हो जाता है। हो सके तो फ्रेश पैकेट खरीद के ना ब्रेड बनाइए, तो ब्रेड बहुत अच्छी तरह से राइज होता है। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, मैं इसे छान लूंगी। इसमें मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगी, अच्छी तरह से मिला लूंगी इसे। टेन मिनट के बाद मेरा यीस्ट देखिए कितनी अच्छी तरह से राइज हो गया है। अब मैं ना इसे मैदे में डाल दूंगी। अभी मैं 2 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल डाल दूंगी इसमें, एकदम भरा हुआ दे दीजिएगा। 100 ml मिल्क पहले मैंने इसमें लिया था, अब मैं 70 ml मिल्क इसमें डाल दूंगी। टोटल 170 ml मिल्क चाहिए मुझे। डो को गूंदने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है, आप चाहे तो किचन कप में भी गूंद सकते हैं। अब मैं डो को अच्छी तरह से गूंद लूंगी 8-10 मिनट। मेरा हो गया 8-10 मिनट।
अब मैं डो को क्लिंग फिल्म से अच्छी तरह से ढक दूंगी। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म ना होना तो आप एक प्लेट से इसे अच्छी तरह से कवर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसे आपको किसी भी वार्म प्लेस में इसे रख दीजिएगा 45 मिनट के लिए। एक्चुअली गर्मी में 45 मिनट पे हो जाता है, लेकिन विंटर में 1 आवर लगता है। मैंने इसे ओटीजी में रख दिया था, ओटीजी बिना चलाए हुए। देखिए मेरा अच्छी तरह से राइस हो गया है, 45 मिनट में राइस हो जाता है, लेकिन कोल्ड वेदर होना तो 1 आवर लग जाता है। अब मैं इसे ना नोट पैक कर दूंगी। मैं इसमें से 3 बॉल बना लूंगी। मैंने ना एक प्लेट का पीछे का हिस्सा ले लिया है, क्योंकि मेरा जो रोलिंग बोर्ड है छोटा है और मुझे थोड़ा सा बड़ा प्लेस चाहिए डो को रोल करने के लिए। थोड़ा सा पतला करूंगी, थोड़ा सा बड़ा, इसीलिए मैंने इसको लिया है प्लेट का पीछे का हिस्सा। अब मैं इसे रोल कर लूंगी। मैंने 12.5 सेंटीमीटर का एक ढक्कन दिया है, इसकी नाप से ना मैं इस रोटी को काट लूंगी सर्कल करके। अब मैं एक एक सर्कल को ले लूंगी, इसके बीच में ना चिकन कीमा को रख दूंगी। अब मैं इसे फोल्ड करके अच्छी तरह से चारों तरफ से सील कर दूंगी प्रेस करके। अब मैं फॉक्स से ना इसमें अच्छी तरह से ना मार्क करके दे दूंगी, तो अच्छी तरह से सील हो जाएगा, ये देखने में भी अच्छा लगेगा। मैंने 10 ब्रेड बना लिया है। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए फिर से रेस्ट में रखूंगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक नॉनस्टिक मैंने प्लेट लिया है, क्योंकि इसमें मैं बेक करूंगी। तो अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन ना होना, तो आपके पास अगर नॉनस्टिक फ्राई पैन हो जो आपकी ये में जाता है, ओवन में जाता है, ऐसे एक फ्राई पैन ले लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेड नॉर्मल टिन में ना स्टिक करेगा इसीलिए। नहीं तो आप एक केक टिन में बटर पेपर लगा दीजिए, केक टिन के नीचे ऑयल ब्रश करके बटर पेपर के ऊपर भी ब्रश कर दीजिएगा ऑयल, उसके बाद इसमें बेक कर लीजिए। अब मैं इसमें ऑयल ब्रश करूंगी अच्छी तरह से, चारों तरफ ऑयल ब्रश कर दूंगी। केक टिन में भी ऑयल ब्रश करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर मैं अभी पेपर कोयल को मैं रख दूंगी। उसके बाद मैं इसको भी थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर दूंगी। अभी मैं ब्रेड को एक एक करके ना बेकिंग प्लेट में रख रही हूँ जितना हो सके, बाकी का मैं बेकिंग ट्रे में रखूंगी। मैं अभी इसे ना क्लिंग फिल्म से ना इसे रख दूंगी ढक के 30 मिनट के लिए। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म ना होना तो आप कुछ कोई भी बड़ा सा ढक्कन से ढकिएगा, लेकिन वो शेलो टिन होना चाहिए ऐसे। अगर आप फ्लैट टिन हो और ऐसे इसकी ऊपर ऐसे प्रेशर आ जाए ना, तो ये फूलेगा नहीं, क्योंकि हम रेस्ट में 30 मिनट के लिए इसीलिए रख रहे हैं कि वो थोड़ा सा फूल जाए। अगर ऐसे फ्लैट होगा टिन, कोई टिन प्रेशर आ जाएगा तो फूलेगा नहीं। आप कोई शेलो टिन इसके ऊपर कवर कर दीजिए, नहीं तो क्लिंग फिल्म से ऐसे कवर कर दीजिए। 30 मिनट में रेस्ट में दूंगी, उसके बाद मैं बेक कर दूंगी। 30 मिनट के बाद ना मैं इसमें मिल्क ब्रश कर दूंगी। मैंने 180 डिग्री में ना 5 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट किया है। अब मैं 20-25 मिनट के लिए ब्रेड को बेक कर लूंगी 180 डिग्री में। मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ब्रेड, और अंदर में कीमा देखिए, ये बहुत ही अच्छा ब्रेड होता है। और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड ना खाने का टेस्ट ही कुछ अलग ही होता है। घर में एक बार बनाएंगे ना तो आपको लगेगा बार बार ही बनाऊँ मैं ऐसा। देखिए एक बार ट्राई करके जरूर। ब्रेड को लाइट ब्राउन कीजिएगा, ज़्यादा ब्राउन मत कीजिए।
मेरा चैनल नया है लेकिन रेसिपीज बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।